नमस्कार दोस्तों, ये मेरे पास एक सैमसंग का एलईडी टीवी आया है 32 इंच का। इसमें देखिए ये मदरबोर्ड है और ये इसके सप्लाई बोर्ड है और ये देखिए ये आईसी ब्लास्ट हो गई है और सेट 9 इंडिकेटर में है। इसके यहाँ पे फ्लैश आईसी पे 3.3 वोल्ट नहीं आ रहे और ये मैंने इसको ऑन किया है। देखिए बैक लाइट इसका ऑन है, पावर सप्लाई ओके है और बाकी सप्लाई जा रही है, बस यहाँ पे 3.3 नहीं जा रहा है जिसकी वजह से ख़राब है। अब मैं इसको ठीक करके फिर मैं आपको बताता हूँ। यार दोस्तों ये देखिए सेट ओके हो गया है और ये जो मैंने यहाँ जुगाड़ किया था वो भी मैंने फिर से वैसे ही कर दिया और ये देखिए ये अलग से मैंने लगाया है मॉड्यूल और यहाँ पे जो बीसीसी थी वो ग्राउंड से शॉर्ट दिखा रहा है। पहले 0 ओम दिखा रहा था, अब 10 ओम की दिखा रहा है बीसीसी 8 नंबर से और अब मैंने उसको शॉर्टिंग तो निकाल दिया है ये देखिए इससे और सेट ऑन चल रहा है। आप ये देखिए 7 ओम 10 ओम की जो रीडिंग दिखा रहा है ये देखिए, ये देखिए ये एक ग्राउंड पे है और एक इसके उस पर है, ये देखिए। पहले 0 ओम दिखा रहा था, सही हो गया। अब मैं एक बार प्लग लगाता हूँ। दूर दूर से बातें थी, इसका मॉडल नंबर देखिए हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी।